Hello everyone, myself Faizan Ahmed and I have secured All India Rank 58 in UPSC Civil Services Exam 2020. This was my second attempt and I belong to Kota, Rajasthan. I have completed my BTEC Mechanical Engineering from RTU Kota and since then I have been preparing for UPSC examination. Today I am sitting here and very honored to be with SP Verma sir in Vedanta IS Academy, and I would like to bring to notice few things that I have seen at Vedanta and I would like to highlight them. For example, the guidance that I received from the institution for my preparation, and apart from that, the classroom environment and the faculties that have been provided to the students over here, I was very impressed by the facilities that have been provided, which unfortunately I could not receive, but the students of Vedanta, I wholeheartedly congratulate them that they are having such a wonderful opportunity for guidance in their preparation, and I'm very hopeful that Vedanta will be producing more and more results in the form of IAS and IPS officers for the development of this country. So I would like to thank you sir once again for inviting me here. Thank you so much. Good afternoon everyone, myself Faizan Ahmed. मेरे को 2020 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में 58 ऑल इंडिया रैंक मिली है और होपफुली आईएएस सर्विस मिल जाएगी. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और आज मैं यहाँ आप सबके सामने वेदांत आईएएस एकेडमी और एसपी वर्मा सर के साथ खड़ा हूँ. तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के. एक टाइम में हम भी इसी तरह की क्लासरूम कोचिंग में बैठा करते थे और पढ़ाई करा करते थे. तो आप सभी में मुझे फ्यूचर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो भी आप लोग बनना चाह रहे हैं, मेरे को उसकी झलक आप में दिखाई दे रही है. आज इस मंच के थ्रू मैं आपके साथ अपनी ब्रीफ में जो स्ट्रैटेजी है, किस तरह से सर ने थोड़ा गाइडेंस किया और जिससे मेरे को आज ये ओवरऑल जो कामयाबी मिली है, उसके साथ मैं उस चीज़ों के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करूँगा. तो जैसे मैंने बताया कि मैं छोटे से टाउन कोटा का रहने वाला हूँ, राजस्थान में, और मैंने भी जेई जैसे वहाँ पे कोटा फैक्ट्री शायद आप लोगों ने देखा होगा, टीवी सीरीज़ आजकल बहुत फेमस है, तो उसी कोटा का मैं रहने वाला हूँ. और मैंने भी उसी तरह जेई मेंस एडवांस इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी वजह से उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया. उसके बाद मैंने एक छोटे से कॉलेज से बीटेक करी. 2018 में पास आउट होने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मुझे सक्सेस मिला है. तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी बड़े कॉलेज से नहीं हैं या डॉक्टर इंजीनियर इस तरह की कोई आपके पास कोर्स या डिग्री नहीं, तो आपको ये कभी नहीं सोचना है, हताश नहीं होना है कि वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो छोटी से शहर से आ रहे हैं या कोई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं जहाँ करो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. मैंने यहाँ देखा सर से मेरी जो बात हुई, जिस तरह की आपको यहाँ फैकल्टी प्रोवाइड करवाई जा रही है, गाइडेंस है, स्मार्ट टीवी भी है जिस पर पढ़ाया जा रहा है. हमारे टाइम में तो ये सब चीज़ें भी नहीं थी, खुद ही ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ना पड़ता था. तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो आपको दी जा रही हैं. आई थिंक अगर आप इन सबको भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी. जैसे मेरे को यहाँ पे भी एक कोट दिखाई दिया, स्वामी विवेकानंद का था, इंग्लिश वाला याद है मुझे, तो अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल योर गोल इज अचीव. तो आप अराइज हो चुके हैं, अवेक हो चुके हैं जब यहाँ आज बैठे हैं आप, तो ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि अराइज एंड अवेक वाला पार्ट आपका हो चुका है. अब जो आपको करना है कि रुकना नहीं है, निरंतर प्रगति के तौर पथ पर आगे बढ़ता रहना है, मेहनत करती रहनी है, जिसके थ्रू आपको कामयाबी मिलेगी. शॉर्ट में मैं अपना बताना चाहूँगा मैंने क्या किया प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में. जैसे शायद अब आप अगले साल का प्रीलिम्स देंगे 2022 में जो होने वाला है, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ें ये कहना चाहूँगा कि जो आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपके जो भी सर नोट्स बनाए रहे हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए, उनको अपना प्राइमरी सोर्स मान के पढ़ाई करनी है. उसके अलावा जो NCERT बुक्स होती हैं, NCERT और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी कुछ चीज़ें रह जा रही हैं, तो आप उनको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं. उसके साथ साथ ही जो यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई जाएगी, आपके मॉक टेस्ट होंगे, वो आपको सीरियसली अटेंड करने हैं, उनको देना है, उनसे सीखना है, क्योंकि जो तरह की गाइडेंस आपको कोचिंग में मिल सकती है वो सेल्फ स्टडी में बहुत मुश्किल हो जाती है. तो यहाँ पर आपने जब एडमिशन लेके आपने जो अराइज अवेक वाला पार्ट तो ओवरकम कर ही लिया है, तो जब आप ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे तो होपफुली
प्रीलिम्स आपके लिए ज़्यादा मुश्किल खीर नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका आपको बहुत एनालिसिस करके सॉल्व करना चाहिए। उसमें से जो चीज़ें आपको सीखने मिल गई हैं वो सीखनी चाहिए। मेरा प्राइमरी मोटिव भी यही रहता था, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर थे मैं उनको सॉल्व करता था। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है पुराने क्वेश्चन ही रिपीट भी हो जाते हैं, तो जब आप वो चीज़ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उसके थ्रू प्रीलिम्स क्लियर करने में आई थिंक एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेंस में देखा जाए तो मेंस के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेंस की तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स पास करने के बाद मत रखिए। जब आपका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरह के सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं, तो आप उसकी आंसर राइटिंग करना, टॉपर की कॉपी से देखना किस तरह से वो आंसर लिख रहे हैं, उसको आप करना स्टार्ट करिए, ताकि आप जब प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। वो एक तरह से आपका बेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होगा। तो मेंस का कीवर्ड यही है कि आपका चाहे एथिक्स हो, चाहे ऐसे हो, या आपका ऑप्शनल, जो भी आपने ऑप्शनल चूज़ किया, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसकी आपको निरंतर पढ़ाई प्रैक्टिस के साथ साथ आंसर राइटिंग भी करती रहनी है। जब वो आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आपकी एक स्पीड बिल्ड होएगी, आपको चीज़ें रिकॉल और याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, जो मेन एग्ज़ाम के दिन आप ईजिली एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। और आई थिंक मुझे लगता है मेंस में तो राइटिंग इज़ द किंग ऐसा कहा जाता है। अगर आप अच्छी तरह से लिखना आपको आता है तो आप चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल हो या ऐसे हो, काफ़ी अच्छा उसमें स्कोर कर पाएंगे। रही तीसरी बात जो इंटरव्यू की रहती है, कुछ लोगों को लगता है इंटरव्यू तो बहुत लेट है, उसकी तो अपन आराम से तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है यूपीएससी का, उसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। जैसे मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे अभी भी याद है मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी फास्ट रहती थी, अभी भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम मैंने थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आया था। तो जो मेरे को एक चीज़ नोटिस करी वो ये था कि आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी में होनी ही होनी चाहिए, जैसे आपके बैठने का तरीका होता है, बात करने का, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आई कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि मेरा इंटरव्यू का कॉल आएगा, उस एक महीने के अंदर मैं सब सीख लूँगा, तो बहुत मुश्किल रहता है आपके लिए। तो इसी प्रोसेस में जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर दी है, मेरे को याद आता है इसी के बारे में, 2017-18 की टॉपर थी अनुकुमारी मैम, सेकंड रैंक थी उनकी, उनका एक मैंने वीडियो देखा था, उनमें भी वो यही कही थी कि आपका इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो इंटरव्यू का कॉल आने के बाद स्टार्ट नहीं होता है, जब आपने यूपीएससी की जर्नी में कदम रखा तभी से प्री मेंस इंटरव्यू आपका साथ रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड तैयारी रहनी चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए भी आप अपनी पर्सनैलिटी को आप रिफाइन करिए, उस तरह से बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठहराव आपकी आवाज़ में होना चाहिए, किस तरीके से आप चीज़ों के बारे में बैलेंस ओपिनियन आपको होना चाहिए, चाहे कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो, चाहे फार्म लॉज हो गया या कुछ भी हो गया। एक होता है बिल्कुल एक्सट्रीम इशू जो कहेंगे कि बिल्कुल ही फार्म लॉज गलत हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ही अच्छे हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन यूपीएससी आप लोगों से चाहता है कि आपका हर टॉपिक के बारे में बैलेंस इशू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी इशू बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। तो आपको ये सारी ये जो चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी होती है, मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपके आंसर्स बैलेंस्ड होने चाहिए, जब आप इंटरव्यू के आंसर देंगे तो भी आपके आंसर बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान जब आप इसको सीखते रहेंगे और अपने में इनकलकेट करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी इंप्रूव होती जाएंगी। और आई थिंक मेरे को लगता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी जब साथ चलेगी तो होपफुली मेरे को पूरा यकीन है कि जब अगले साल जून में आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो आप ही में से कोई होंगे जो सक्सेसफुल होकर कैंडिडेट सर के साथ यहाँ मेरी तरह आज खड़े होंगे और आने वाले नए मैच को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो बस मैं इतना सा कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करिए अपनी प्रिपरेशन को। और एक बार दोबारा से मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ बुलाने के लिए एंड फॉर गिविंग मी दिस ऑनर, एंड माय बेस्ट विशेस टू सर, टू वेदांता आईएएस एकेडमी, एंड आप सभी जो एस्पायरेंट्स यहाँ बैठे हैं आज हमारे सामने, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। क्या आपका सपना आईएएस बनने का है तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इंडिया के सबसे विख्यात कोचिंग संस्थान वेदांता आईएएस एकेडमी से और डाउनलोड करें हमारा व्यास ऐप प्ले स्टोर से। वेदांता आईएएस एकेडमी यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य कई स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करवाता है और साथ ही लाभ उठाएँ हमारे बेहतरीन सुविधाओं का, जिनमें शामिल हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट सीसेट एंड जीएस क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटीज, 45 फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, मंथली बेसिस आईएएस आईपीएस सेमिनार्स, फ्री बुक्स एंड ऑल्सो डाउट क्लासेस।